तो दोस्तों मैं आज जा रहा था, एक हमारे ताऊजी यहाँ भी रहते हैं तो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, तो उनसे मिलने जा रहा हूँ बहुत सालों के बाद। और मेरे पिताजी भी हैं और सारे हम भाई लोग भी जा रहे हैं, देखो मिलते हैं कहाँ हैं। यहाँ पर आ, तो यहाँ पर नमस्ते, यहाँ पर तो आ, फिर तू इधर तो आ, फिर यहाँ पर आ, यहाँ पर, यहाँ पर आ, तेरे को चिलगम लाया हूँ। क्या नाम है तेरा? अरे ईशांत, तू स्कूल जाता है? अब तो कब जाला पे आप कब जाला है आदमी से कब जाला है हैं? कब जाला पहले दादा से यार, तू तभी तो हो जाला है। अच्छा, और कदम पढ़ सा तू एल कदम पढ़ रहा आंगनबाड़ी में था कदम पढ़ सा 3 बजे? अरे वाह, लबे तू मैं ले ले रही सेंटा फ्रेश एक खा, और तो मेरे को सुना था, आवाज तो सुना पे जरा, आवाज सुन दिया जरा, शाबाश। खुद तो कुनी जब जद्दू तक कुनी तो सुना चला था खुद को, ये आवाज सुना, ये गिनती सुना, गिनती बोल तो शाबाश, बोल यार। 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 दीदी बाहर नहीं कहे 8 फिर 9 9 फिर 10 और फिर एबीसीडी बोल हटा। रुद्रपुर से? रुद्रपुर क्या करना ब्याज? अच्छा जयनगर में। अच्छा जयनगर में तो बहुत लोग बैठ हुई हैं। मिला मिला मैं नौकरी करना, रुद्रपुर में नौकरी करना। अच्छा साल खनियारी। अच्छा चलो ठीक छुपा, आप मैं उनको बताऊँ तुमको ने के कुने मैं वहाँ जरसी करने तुम्हें मुलाकात वहाँ कर दूँ, तो मैं फोटो डाल दूँ यार यूट्यूब में, उन्हें देखते रह लूँ। हाँ शोभा, वो साल रोज से गेम खेले वो छोटे वाले, वो दिन उस साल आते हो क्या टीवी में जोड़े जैसे कुछ पूरा डिस्प्ले गई। आजकल तो बच्चे को हाथ में मोबाइल पकड़ा दो तो गेम ही खेलने में रहता है। अरे हमको नहीं बोला था फोन तो मैं ना क्यों सारा साल खेल जस्ट पूछा वाश निकाल दिया। उस समय पे बच्चे भी वैसे दिमाग ले। इसको जो है गढ़वाल से लेके आया था ओप्पो को, ओप्पो ओप्पो एप्पो, इसको हम गढ़वाल से लेके आए थे, सब छोटा बच्चा था, पर मैं इसको ले जा रहा था गर्मी के टाइम थे उस टाइम, भाभा ले जा रहा था अपने घर ले जा रहा था, पर ये जो है नहीं आया। इनने बोला कि अगर वहाँ जाएगा गर्मी में तो ये जो है इसके बाल निकल जाएंगे, ये मर जाएगा, पर ये ठंडे में रहने के आदि है। और 2 साल बाद मैं आया था भाई साहब, तो इसने मेरे को पहचान लिया और ना ही इसने मेरे को काटा ने कुछ किया, इतना प्यारा है। एपो एपो यहाँ को तो देख, देखो ये कितना प्यारा है, ये देखो देख यार, इधर को देख तो पागल, इधर को देख तो तेरी फोटो खींच रहा हूँ मैं, इधर को देख एपो, अरे इधर को देख यार तू, देखो ये है बैजीनाथ महाराज। और ये बैजीनाथ, तो गाइस आज हम पहुंच गए हैं इधर बागेश्वर से आगे गरुड़, गरुड़ में जो है एक पास्तोली गांव पहुंच रहे हैं, यहां एक पंडित जी रहते हैं। तो आज हमारा जो है काम बन नहीं पाया है, तो देखो ऊपर वाले की दुआ से आज काम बन गया, तो शायद हम यहां से फारिग होने के बाद अपने घर को निकलेंगे, और बहुत सारे काम पड़े हैं, तो हम 2-3 दिन से घूम रहे हैं, हमारा काम बन जाता तो अच्छा ही था। तो आपको जो है नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, और देखते क्या होता है, अगर उनसे मिल अब हमारा काम बन जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर मुश्किल ही है।
नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने चंदनदा आपके सामने दोस्तों मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि देखो मैं अपने अपने गांव अपने पहाड़ आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर बमराड़ी में। ये मेरे ताऊजी लोग का मकान है, ये बहुत पुराना मकान है दोस्तों। देखिए ऊपर से छत में जो है पत्थर पड़ा है, पत्थर का ऊपर से डाल रखे हैं, और ऐसे मकान आपको बहुत सारे दिखाई देंगे पहाड़ों में। तो ये बहुत पुराना मकान बना रखा है इनने। तो आज मैं यहीं घूमने के लिए आया था, और पिताजी और भाई साहब लोग अंदर बैठे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आपको ज़रा यहाँ का जो है लोकेशन नज़ारा दिखा दूँ। दोस्तों यहाँ आने के बाद एकदम मन को बहुत सुकून मिलता है, और ठंडा पानी और ठंडी हवा, तो यहाँ से जाने को मन ही नहीं करता है। ना कोई प्रदूषण ना कोई पॉल्यूशन यहाँ दोस्तों, एकदम मन को लुभाने वाली देवदार के पेड़ और चीड़ के पेड़, हरियाली एकदम। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। और ये जो है दोस्तों ये रोड गई हुई है, देख रहे हैं आप, ये रोड गई है गढ़वाल को, पौड़ी गढ़वाल टेहरी गढ़वाल बद्री को, बद्रीनाथ केदारनाथ को ये रोड गई है, और ये रोड गई है एक बागेश्वर को। तो दोस्तों मैं इसीलिए आपको दिखाना चाह रहा था। अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर कर रहे। आज का वीडियो मेरे यहीं समाप्त होता। नमस्कार।